सो गाइज लेट इस्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अब इसका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम इस चैप्टर में इस पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो गाइज़ जो एक्सचेंज ऑफ गेसेज होता है अब हमने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में बताया था कि एल तक अब एयर आ गया अब एलवियोले तक अब एयर आ, आ गया उसको अब ब्लड में एक्सचेंज करना है डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाना है और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट सेल्स तक जाएगा अब फिर सेल्स में सेलुलर रेस्परेशन होगी अब उसके लिए जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो ये एल्वियोले होते हैं यही प्राइमरी एक्सचेंज जो होती है वो इन्हीं में होती है अब जो एक्सचेंज जो किन एक्सचेंज ऑफ गेसेज होता है वो किन वो उनमें कौन से दो इंपॉर्टेंट गेसाल्व होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एज यू नो जो ये डिफ्यूजन होता है ये एक सिंपल प्रोसेस से होती है बायो प्रोसेस कॉल सिंपल डिफ्यूजन मेनली इसका इसका प्रिंसिपल किस बेसिड पे होता है बेसड ऑन द प्रेशर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अब इस जो डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन है अब ऑक्सीजन कितना डिफ्यूज़ होगा इससे फ्राम एलवी टू ब्लड एंड फ्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिफ्यूज होगा फ्राम ब्लड इन टू द एलवियोल ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एलवियोलर मेमरन एलवियोलर मेमरन और ये एलवियोलाई है और यहाँ पे ब्लड ब्लड स्ट्रीम है ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ होना है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है इस डायरेक्टली टू द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस ये ये गैस कितना सॉलिबल है थ्रू दिस मेम्ब्रेन जितना ये ज़्यादा सॉलेबल होगा उतना ये ज़्यादा डिफ्यूज होगा अब उस गैस का दूसरा फैक्टर है प्रेशर ग्रेडियंट अब इसमें प्रेशर कितना है और इसमें प्रेशर कितना है उस प्रेशर ग्रेडियंट पे ये डिपेंड करता है जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी और अब इस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है अब जितना ये ज्यादा थिकने थिक होगा ये मेम्ब्रेन वो उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी बिकॉज रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस सो सॉलिबिलिटी ऑफ गेस एज वेल एज थिकनेस एक तो सॉलिबिलिटी पर डिपेंड करता है एज वेल एज थिकनेस

फॉर एग्जाम्पल किसी मिक्सचर में दो से तीन गेसेज है अब उसी मिक्सचर में अब सपोज ए और बी गैस है अब इसका टोटल मिक्सचर में ए का कितना अलग से प्रेशर है, है उसको बोलते हैं पार्शल प्रेशर ऑफ ए एंड बी से अलग बी का अलग से कितना पार्शल प्रेशर है उसको बोलते हैं पार्शल प्रेशर ऑफ बी एंड अब एल अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी ऑफ ओ टू फॉर ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पी ऑफ सी ओ टू पार्शल प्रेशरबन डाई ऑक्साइड पार्सल प्रेशर ऑफ दिस टू गेस इन एटमासफिक एंड दिस टू साइड्स इन टेबल अब ये जो पार्शल प्रेशर डिफरेंसेस दिए गए हैं अब एटमासफियर में पार्शल प्रेशर कितना होगा इन दो गेसेज का फिर एलियोले में कितना पार्शल प्रेशर होगा इन दो गेसिस का। उसके बाद एलवि के अराउंड जो ब्लड है उसमें कितना पार्सल प्रेशर होगा इन दो केसेज का फिर ब्लड में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा और टिश्यू लेवल पर कितना होगा ये इस टेबल में दिया गया है सो लेट अस डिस्कस दिस टेबल पार्शियल प्रेशर इन एम एम ए ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्टस इन्वाल्व इन डिफ्यूजन इन कंपेरिजन टू दो ऑफ द एटमासफियर अब हम देखेंगे ये यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैस दिया गया है ऑक्सीजन का एटमासफियर में कितना पार्शियल प्रेशर है एटमासफियर में ऑक्सीजन का वन फिफ्टी नाइन एटमासफियर वन एम एम ए है वन फिफ्टी नाइन एम ए जी और कार्बन और एल्वियोल में वन हंड फोर एम एम एजी है अब तो ये एल वी में जाके डिक्रीज़ क्यों होता है 104 क्योंकि एज वी नो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है जो कंडक्टिंग पार्ट ये होता है उसमें मॉइस्चर ऐड होता है उसमें जो उसका उसकी फंक्शन होती है ह्यूमडिफाई करना उस ह्यूमडिफाई में आ, क्या होता है वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन है वन से डायल्यूट होके वन तक चला जाता है एल में अब उसमें अब ब्लड में ड्यू ब्लड में कितना होता है ताजी एम एम ये यह यहाँ पे ध्यान रखें उसी इसी बेसिस पे हम इसी बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि कौन गैस कौन सा गैस किस डायरेक्शन में जाएगा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना है 95 फाइव एम और टिश्यू लेवल पे जो है यहाँ पे या, याद रखिए, ड्यू ब्लड में जो गैस जिस गैस का जितना पार्सल प्रेशर उसी गैस का टिश्य में भी वही पार्सल प्रेशर होगा फॉर एग्जाम्पल कॉर्बन डाईऑक्साइडाइडमा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमासफेरिक प्रेशर जो है जीरो पॉइंट थ्री एटमासफेर है लेकिन एलवियोले में फोर्टी है क्योंकि एलवियोले में कार्बन डाइऑक्साइड बलड टू एल चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और डो ऑक्सीजनेट ब्लड में फोर्टी फाइव एम ए है और जो ही ड्यो ऑक्सीनेट में होगा वही टिशू लेवल पर भी होगा फोटी फाइव एम ए और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फोटी फाइव एम कार्बन डाइक्इड का होता है अब आप यहाँ पर देख सकते हो जब ब्लड आता है राइट right एट्रियम में राइट right एट्रियम में चला जाता है राइट right एट्रियम से लेके चला जाता है राइट right वेंट्रिकल से राइट right वेंट्रिकल इसको पलमरी ट्रंक के पलनरी ट्रंक के थ्रू पंप करता है टुअर्ड द लंग्स लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन होती है उसके बाद ऑक्सीजनेशन के बाद उसको रिटर्न करता है पमनरी वीन टू द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करता है और लेफ्ट एट्रियम से अयोटा अयोटा की हेल्प से थ्रू आयोटा ये पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है अब Uh, पूरी बॉडी में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यूज टिशू लेवल पे जब ऑक्सीजट ब्लड जाएगा अब वहाँ पे भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस होगी उस डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा फ्रॉम सेल्स टू तो द ब्लड ब्लड भी अब ब्लड बन जाएगा डो ऑक्सीनेट बड़ इस डो ऑक्सीनेट ब्लड को फिर से रिटर्न किया जाएगा इंटू द राइट एट्रियम राइट एट्रियम बैक इंटू द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल पंप्स पंपोजिट टू दू द लंग्स एंड लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है और बैक इंटू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन टू द टिश्यूज एंड दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस सर्कुलेशन कंटिन्यूस अब हम ये देखेंगे कि कैसे दो जो हम देखेंगे बॉडी में दो डिफ्यूजनस होते हैं दो जगह डिफ्यूजन होती है एक तो डिफ्यूजन यहाँ होती है और डिफ्यूजन यहाँ होती है यहाँ जो डिफ्यूजन होती है ये होता है बिटवीन एलवियोलाई एंड द पल्मोनरी ब्लड पल्मोनरी ब्लड होता है जो पल्मोनरी कैपिलरी में होगा यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन चला जाता है फ्रॉम ये ब्लड है यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाता है ऑक्सीजन चला जाता है फ्रॉम एलवियोलाई इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है फ्रॉम फ्राम कैपलरी एंड कैपिलरी कैपलरी इन् द एल और जो टिश्यू लेवल पे ब्लड होता है टिश्यू लेवल पे ब्लड होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड एंड ऑक्सीजन चला जाता है फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यूज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एट द एल सरफेस अब ये डिफ्यूजन किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट अब जो ऑक्सीजन वी नो दैट गेस इज़ मूव फ्राम देयर कंसन फ्राम हाई प्रेशर फ्राम देयर हाई पार्सल प्रेशर टू द लो पार्सल प्रेशर यहाँ पे हम अगर एल में ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर देखेंगे वो है वनड्रेड फोर और जो ब्लड में पार्सल प्रेशर है वो है नाइन नाइनटी फाइव और अगर जो ऑक्सीजन ब्लड का देखेंगे वो है फोटी तो अब जो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट है फ्रॉम फ्रॉ टू द ब्लड अब ऑक्सीजन मूव करेगा फ्रॉम एलवियलाई टू द ब्लड बिकॉज इसका ग्रेडियंट इसी डायरेक्शन में इसको एलो करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में फोटी फाइव है और जो एलवियोला में है फोर्टी है अब इसका ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में इसको एलो करेगा एज अ रिजल्ट एट द एलवियलर सर्फेस बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम द एल यूलाई इंट द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम ब्लड इन टू द एल तो इस वजह से जो ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन है ब्लड में चला जाएगा एज अ रिजल्ट ऑक्सीजनेशन ऑकर्ज इसी को कहते हैं हम ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन ऑकर्ज एट द लंग सरफेस जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब पलनरी वीनस के थ्रू ये जाएगा लेफ्ट uh, एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी के टिशूज को सप्लाई करेगा अब हम देखेंगे एट द टिशू लेवल ये डिफ्यूजन कैसे होता है सो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया टिश्यू लेवल पे अब हम देखेंगे टिश्यू लेवल पे कैसे डिफ्यूजन होता है हम हमें पता है कि ये बेस ऑन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा जहाँ से इसको कंसंट्रेशन एट प्रेशर ग्रेडियंट एलो करेगा उसी डायरेक्शन में गैस मूव होगा अब हम देखेंगे यहाँ पे सपोज ये कैपलरी कैपलरी है जो टिशू को सप्लाई करती है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पहुंचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर है नाइनटी फाइव एम और जो टिशू में पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज़ फोटी एम आई अब ऑक्सीजन का ग्रेडियंट इसे फ्रॉम ब्लड टू द टिशूज एलो करेगा एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन विल मूव हियर फ्राम टिशू टू द फ्रॉम सॉरी

जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये ड्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको सिस्टमिक वीनस के थ्रू अब जा, ले जाएगा राइट एट्रियम में और राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल इसको फिर से पंप करेगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने डायग्राम भी दिया इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीज पे दिया गया है वन हंड फोर एम एम ए और पार्सल प्रेसरफ ऑक्सीजन इन द इन दिस ब्लड इज फोटी एम एम एज अ रिजल्ट पार्सल द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एलवी टू द ब्लड एंड पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्यू में फोर्टी और इसमें फोटी फाइव है एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम ब्लड टू द एल अब इसके बाद जो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स भी इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी आर्टरी भी इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी आर्टरी में होता है एज वी नो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि पल वेन जो है वो वो लंग से ब्लड ले आती है टूवर्ड्स द हार्ट जो लंग से ब्लड आएगा वो ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड होगा और अब उसके बाद जब सिस्टमिक आर्टरीज इसको हार्ट से पलमरी हार्ट से जब उसको कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसका पार्सल प्रेशर होता है 95 फाइव एम ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 इसी हिसाब से यहाँ पे ग्रेडेंट बनेगा और उसी हिसाब से डिफ्यूजन होगा फिर डो ऑक्सीजनेट ब्लड विल बी कैरी टू दिसम बाई स्टमिक वीनज टू द राइट एट्रियम एंड राइट सिस्टमिक स्टमरी डो ऑक्सीनेट ब्लड उसका पार्सल ऑक्सीजन यहाँ पे होता है फोर्टी एम एंड पार्सल प्रेश्बन डाइक्साइड होता है फोर्टी फाइव एम एम ए सो सिमिलरली एग्रीडियंट इज प्रजेंट फॉर कार्बन डाईआक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन जैसे कि हमने अभी बोला फ्राम टिशूज जहाँ पे टिशूज के टिशूज पे डिफ्यूजन होगा फ्राम टिश्यूज़ टू द ब्लड एंड ब्लड टू एलवियलाई एज एज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने जो सॉलिबिलिटी फैक्टर का बोला था रेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द सॉलिबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा सॉलिबिलिटी हो जिसका जो गेस जितना ज़्यादा सॉलिबल होगा उसकी डिफ्यूजन उसकी डिफ्यूजन उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा मतलब जो यहाँ पे कार्बन डाईआक्साइड इट इज़ गिवन दट कार्बन डाईआक्साइड सॉलिबिलिटी जो है दैट इज ट्वेंटी टू थर्टी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन गो इस जो इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना हमें डिफ्यूजन होगा उससे कहीं कम ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा फॉर एग्जांपल अगर हम एक मेम्ब्रेन रखेंगे और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेशर ग्रेडियंट रखेंगे और ऑक्सीजन का भी प्रेशर ग्रेडियंट रखेंगे अब सपोज वन एटमासफियर प्रेशर ग्रेडियंट रखा दोनों का अब जो अब हमें पता है कि सॉलिबिलिटी फैक्टर कम आएगा क्योंकि अब प्रेशर ग्रेडियंट कम नहीं आएगा प्रेशर ग्रेडियंट हमने कॉन्स्टेंट रखा अब उस प्रेशर ग्रेडियंट को कॉन्सटेंट रखने के बाद सॉलिबिली फैक्टर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स मोर इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिफ्यूज़ होगा एज द ऑक्सीजन वाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन अब इसके बाद हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है इट्स मेड अप ऑफ थ्री मेजर लेयर्स तीन लेयर्स का बना होता है सबसे पहले एलवियोलई का जो सुकेमस अपिथीलियम आता है सुकेमस एपिथीलियम ऑफ द एलवियोलई उसके बाद इंडोथीलियम ऑफ द एलवलर कैपिलरीज इन द बेसमेंट सब्सटेंस जो उसके उनके बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है ये बेसमेंट सब्सटेंस उन एलवियोलाई सुेमसिथीलियम ऑफ एलवियोलर वॉल थीम एवल और इंडोथ ऑफ द ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस बेसमेंट सब्सटेंस जो ये बेसमेंट सब्सटेंस है इसमें बेस दो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एलवीलाइ एंड बेसमेंट मेमरन ऑफ द ब्लड कैपिलरी कम्पोज ऑफ थिन बेसमेंट मेमरन सपोर्टिंग द सुकेमस इपिथिलियम इसका सुकेमस इपिथिलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द बेसमेंट मेमरन सराउंडिंग द सिंगल लायर इंडोथिलियल सेल्स ऑफ द कपट्रीज दिस इम्पॉटेंट जो इंडोथीलिय इंडोथीलियल लायल जो ये कपटेरी का इंडोथीलिया लाइनिंग होती है दैट इज सिंगल लायर यहाँ पे ये यहाँ भी दिया गया है और सुकामम एपिथीलियम ऑफ एलियोलाइन वन वलट थिक भी होता है यहाँ पे भी दिया गया है जो सुकेमस एपिथीलम है एल्वियलाइ का वो भी वन सेलट थिक होता है हाउएवर जो इसकी टोटल थिकनेस होती है इस बेसमेंट इस टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो टोटल थिकनेस होती है दैट इज लेस देन अ मिलीमीटर वो एक लेस देन वन मिलीमीटर होता है दियर फॉर आल द फैक्टर्स जो तमाम फैक्टर्स हैं इसको फेवर करते हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम एल टू टिश्यूज एंड देट ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड फ्राम लेट्स टेक ए लुक एट दिस डायग्राम डायग्राम ऑफ ऑफ सेक्शन एन दिसग्राम सेक्शन ऑफ एलवियलस विथ पल्मोनरी कैपिलरी जो एलवियल को सराउंड कैपिलरी करते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी में जो ये रेड डॉटेड है ये आरबीसी है और ये एंडोथेलियल ऑफ द ब्लड कैपिलरी ये बेसमेंट सब्सटेंस है बेसमेंट सस्टेंस दो बेसमेंट मेमरियन का बना होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द दा ऑफ एलवियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द इंडोथील ऑफ द ब्लड कैपिलरी ये है एलवियोलर कैविटी और ये एयर है ये uh, यहां पे आएगा इन्फ्लक्स ऑफ ब्लड ये यहां से ब्लड जाएगा वापस यहां से ब्लड आएगा फ्रॉम सो लेट स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस अनदर अर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अब जो गैसेज़ हमने फ्रॉम एल टू ब्लड लाया अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है जो मीडियम होता है दैट इज़ ब्लड ब्लड इज़ द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो नाइन सेवन परसेंट जो है आर बी सी के थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ हम ऑक्सी हमोग्गलोबिन और जो रिमेनिंग थ्री परसेंट है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है वो डिजॉल्वड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्वड इन द प्लाज्मा अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है ओवस्सली इट इज़ आल्सो थ्रू द इट्स मीडियम इज आल्सो थ्रू ब्लड जो ये ट्वेंटी टू 25 परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आर इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ इन बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार एमो हीमोग्लोबिन और जो उसके बाद uh, 70 परसेंट मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस इन द प्लाज्मा और जो 7 परसेंट है रिमेनिंग 7 परसेंट दट दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजालवड स्टेट इन द प्लाज्मा और यहाँ पे हम यहाँ पे आप याद भी रख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट इन द आर बी में जो है ट्रांसपोर्ट होता है और यही 20 टू 25 परसेंट जो हमने पिछले पीछे पढ़ा जो 20 टू 25 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टू 25 परसेंट मोर सॉलेबल देन ऑक्सीजन अब हम सेपरेटली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ेंगे जो ब्लड में एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है रेड क्यों होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द बी ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन बाइंड होता है दैट कैन ये रिवर्सिबली बाइंड होता है रिवर्सिबली मेनर इन रिवर्सिबल मेनर टू तो फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू तो फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन ईच हीमोग्लोबिन जो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल है दैट कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ फोर मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल है इसमें इसके ये एक ये चार मालिक्यूल्स को अपने साथ ट्रांसफर कर सकता है जो कि एक मालिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन है ये चार मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को एक साथ मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकता है जो अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा ये कैसे ये किस तरह बाइंड करेगा कितना ज्यादा बाइंड करेगा इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स ऑक्सीजन कितना ज़्यादा बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ या हीमोग्लोबिन की कितनी ज्यादा एफिनिटी होगी टूवर्स द ऑक्सीजन इट डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर्स प्रीमरली इट डिपेंड्स अपॉन द पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का पार्सल प्रेशर कितना होगा अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बाइंड करेगा अगर कम होगा तो कम बाइंड करेगा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इन ब्लड अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ये इस बाइंडिंग को इंटरफेयर करेगा ये इस बाइंडिंग को इस बाउंड को वीक करेगा एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन द एफिनिटीफ हिमोग्लोल्लोबिन टोड

सो दिस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्रेमरली रिलेटेड द पार्ल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो प्रीमरली इंपॉर्टेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसके बाद पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन हाइड्रोन एन एंड द देंपरेचर और आल्सो सम अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग जो हम एक प्लॉट स्पेशल प्लॉट स्पेशल करो प्लॉट करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो ये दो क्वांटिटीज के बीच में एक करो डाला जाता है विथ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिला है विथ पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगेनेस्ट द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस पार्शल प्रेशर पे कितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है दिस करो जो ये करो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो इट्स अ सिग्मोइड करो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स अ सिग्मोइड करो तो यहां पे आप देख सकते हैं दिस करो इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो ये किन दो क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट किया गया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन की कितनी एफिनिटी है विद ऑक्सीजन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किस पार्शियल प्रेशर पे ये दिस इज ऑप्टेड एज सिग्मोइड करो इसको बोला जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो जो अब हम आप आप यहाँ पे ग्राफ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे किसी वजह से ये ग्राफ शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द लेफ्ट और टूवर्ड्स द राइट अगर इस ग्राफ में शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट इसका मतलब है ये यहाँ पे आएगा इसका मतलब है परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा परसेंटेज सैचुरेशन क्योंकि ये जो ये ये, 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 ये पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा इसकी यहाँ पे सैचुरेशन कुछ और थी सपोज सिक्सटी फाइव इसकी यहाँ पे सैचुरेशन बनेगी एटी फाइव सो इफ द इफ दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो शिफ्टज टूर्ड्स द लाइट राइट लेफ्ट फॉर सम द सेचुरेशन इनक्रीजेजे दिये इज मोर एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बाइंड इज मोर विथ हीमोग्लोबिन और अगर किसी वजह से ये न, करो राइट वर्ड शिफ्ट होगा किसी वजह से राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है जो ये ऑक्सीजन जो ये परसेंटेज सेचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन की मतलब जो एफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन दैट विल भी दैट विल डिक्रीज That विल डिग्री एज वी नो जो हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ मिलेगा कितना सेचुरेट होगा ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वो किस ये करो कहाँ से शिफ्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी जो बॉड होगा वो वीक होगा हमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक होगा अगर कार्बन डाई ऑक्साइड कन्सेंट्रेशनज होगा या एच पॉजिटिव कन्सन्ट्रेशन होगा या टेम्परेचर इक्रीज होगा देट विल फेवरज द ब्रेकेज ऑफ दिस बॉन्ड एज रि रिजल्ट द सेचुरेन ऑफ हमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन डिक्रीजे एंड इट विल भी शिफ्ट टूर्ड द राइट दिस ग्राफ एंड इफ Of carbon dioxide decreases, concentration of H positive decreases, and the temperature also decreases. It will favor the graph to the curve to be shifted towards the left, and the percentage saturation will increase. This curve is called the oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H positive concentration on binding of oxygen with hemoglobin as we discussed. It. इन द एल व्य वेर देर इज़ हाई पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन विद ऑक्सीजन ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बांड जो है ये प्रीमियरली डिपेंड करता है पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे अगर पार्सल ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ये आ, लो पार्सल प्रेशर ऑफ एलवियोला पे पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और लेसर एच पॉजिटिव कंसनट्रेशन होता है एंड टेम्परेचर भी लो होता है द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोलोबिन यह एल 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 होता है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है एच पॉजिटिव की कंसट्रेशन कम होती है और टेम्पेचर भी कम होता है दीज ऑल द फैक् दीज ऑल फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन फेवर दिस बॉन्ड वेर एज इन द टिश्यूज़ लो पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एच पॉजिटिव कन्सनट्रेशन इंक्रीजेस एंड हाई टेम्परेचर एग्जिटिस द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर टू फॉर्म एंड फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम ऑक्सीज हमोग्लोबिस एट द टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड कन्सनट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है एच पॉजिटिव कन्सनट्रेशन भी ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी रिलेटिवली ज़्यादा होता है उस दिस फैक्टर्स ये फैक्टर्स क्या करेंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में आ, मदद करेंगे जब यह बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन रिलीज होगा और टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन टिश्यू के एंटर जाएगा

अगर हंड्रेड मिली लीटर्स एक एलबी वाले में हंड्रेड मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है जब ये टिशूज पे जाता है उन हंड्रेड मिली लीटर्स एवरी हंड्रेड मिली लीटर्स ट्रांसपोर्ट ओनली फाइव मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू द टिशूज फाइव मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू द टिशूज अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वी हैव सीन अर्लियर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड 20 टू 25 परसेंट जो है वो हीमोग्लोबिन आर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है that is transported in the form of bicarbonate ion, जो 7 जो 7% है, अब जो 20 टू ट्वेंटी जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ये binding है, इस की कार्बन डिपेंडिंग अपान द पारल प्र्रेशर ऑफ कार्बन डाइकसाइड अब जितना ज़्यादा पार्सल प्रेशर आफ कार्बन डाऑक्साइड ज़्यादा होगा उतना यह बाइंडिंग ज़्यादा होगी उतना हमोग्लोबिन की सैचुरेन विद कब डाओक्साइड बड़ी बढ़ेगी एफिनि ऑफ हमोमग्लोबिन विध कार्बन डाक्साइड विल इंक्रीज एंड इफ कार पारसल प्रेशलसो डिपेंडज अपान द पारसल प्रेशक्जीज इफ पारसल प्रेश ऑक्सीजन इंक्रीज इट विल इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ टू बाइंड विद द हमोगबिन ऑक्सीजन यारसल प्रेश ऑक्सीजन इन 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 इनक्रीजेजे दिस बाइंडिंग विल भी इंटरफियर एंड कार्बन डाई आक्साइडाइडाइडाड एफिनिटी ऑफ हमोग विद कब डाकसाइड डिक्रीजेजि दिस मैकानिजम ऑपरेटेज एट बोथ टिशू लेज वेल एज एलब्यूदर लेवल वेन पार्सल प्रेशर ऑफ वेन पार्सल प्रेशर आफ कार्बन डाई आक्साइड इज हाई इन पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो यहां पर होता है टिशू लेवल पे मोर बर्निंग आफ कारबन डाई आक्साइड आकर्ज इसे ज्यादा बर्निंग होती है कार्बन डाई आक्सड की विद हमोग्लोबिन एट टिशू ले पारसल प्रेशफ कार्बन डाई आक्साइड इज लो Alveoli. And partial pressure of oxygen is high at the alveoli. This binding will be affected by partial pressure of oxygen and hemoglobin. Uh, will. This, um, this carbon dioxide will be released out at the alveoli and carbon dioxide will move towards the alveoli. So, as a result, uh, dissociation. Dissociation of carbon dioxide from carb amino hemoglobin takes place. That is, carbon dioxide, which is bound to hemoglobin from the tissues, is delivered to the alveoli. RBCs contain a very high concentration of the enzyme. RBCs be a characteristic feature of RBCs. RBCs may an important enzyme that is called carbonic anhydrase. This is a plasma, but in carbon RBCs, it is a very hoti concentration. And minute quantities of the same is present in the plasma too. This enzyme facilitates the following reaction in both directions. Jo ye दिस इस इंजाइम की फंक्शन क्या है दिस इंजाम फैसलिटी इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड देन कार्बन कार्बोनिक एनहाइडन बाई कार्बोनेट एन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड में जाता है ब्लड में ये आर बी सीज में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जब आर बी सीज में चला जाता है एट द टिशू लेवल टिशू लेवल कार्बन डाईआक्साइड जो है ये वाटर के साथ मिला के बाई कार्बोनेट बनाता है एच टू सी ओ थ्री एच टू सी ओ थ्री इज अ वीक इलेक्ट्रोल एंड इन प्रेजेंस ऑफ यह इन्जाइम यहां पर लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस दट इज प्रेजेंट दैट प्रेजेंट इन हायर कंसनट्रेशन इन द आर बी सज दैन इन द प्लाज्मा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है अब ये डिसोसिएट होता है इंटो द बाई कार्बोनेट आइन प्लस एच पॉजिटिव यह बाई कार्बोनेट आयन फिर ट्रांसपोर्ट होता है तो ये ट्रांसपोर्ट जो है ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट द टिशू साइट वैट पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन द आर बी सीज़ एंड प्लाज्मा प्लाज्मा भी हो प्लाज्मा ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ये प्रोसेस जो होती है प्लाज्मा ये आर बी सीज में होती है अब सिमिलरली जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा भी भी वाटर में वाटर के साथ मिलता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड के बाद में बाई कार्बोनेट आय बनता है दियर फोर बाई कारबोनेट आइन इज़ ट्रांसपोटेड बोथ इन आर बीज एज वेल इन प्लाजा बाई एट द प्लामा एंड फार्मज बाई कार्बोनेट आइनज इन एच पॉजिटिव एट द एलवियलर साइट जो जब एलवियोलर पर पहुँचते हैं पार्सल पर्सेंट आफ कार्बन डाई ऑक्साइड वहां पर कम होता है रििएक्शन प्रोसीडीड इन द अपोजि डायरेक्शन जो ये रिएक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जब एलवियोल में यही आर बी एलवियोला में पहुंचेगी जो ये रिएक्शन है यह रिवर्स डायरेक्शन में आएगी एच पॉजिटिव विल कम्बाइन विद बाई कार्बोनेट टू फारा टू फार्म बाई टारम बाई कार कार्बोनिक एसड कार्बोनिक एसेड विल बी डिसोसिएट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी थ्रोन आउट द ब्लड इनटू द एल वी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ़ अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दस कॉर्बन डाईआक्साइड जो है रेपड एज बाई कार्बोनेट द टिशू लेल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एल इज़ रिलीज आउट एज कार्बन डाईआक्साइड जो यहाँ पे जैसे कि एवरी हंड्रेड मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फाइव मिली लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द टिशूज एंड यहाँ पे जो हंड्रेड मिली ऑफ ऑक्सीजन डिओक्सीजन फ्राम विदाउट डिलवर्स वो ट्रांसफर करते हैं फोर मिली लीटर्स ऑफ कार्बन डाइक्स दिल वी एल सो लेट स्टार्ट द लास्ट टॉपिक सॉरी नॉट द लास्ट रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन अब हमारी बॉडी में कोई भी रेस्पायरे मतलब रेस्पेरेशन को रेगुलेट कर अब रेस्पायरेशन हो रही है अब कभी कभार इस रेस्पायरेशन की रेट इंक्रीज़ होती है उस वजह से जो हमारे ब्लड में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है उस वजह से जो हमारी ब्लड में जो गेसिज हैं उनका इम्बैलेंस हो जाता है और उनका इंबैलेंस होने के बाद कुछ सेंसिटिव कुछ चीज़ें स्टूमुलेट हो जाती है कुछ स्टमुलेट वो चीज़ें स्टूमुलेट होने के बाद रेस्परेटरी रेस्पायरेशन में नॉर्मल सुधार आ जाता है अब हम देखेंगे वो रेगुलेट कैसे होता है

एनअदर जो सेंटर होता है वो पौनस रीजन में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है निमेटैगजिक सेंटर पी फॉर निमाटैगजिक सेंटर पी फॉर प्रेजेंट इन द दानस रीजन ऑफ द ब्रेन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ये जो ये पानस रीजन जो ये निमेटॉक् सेंटर होता है प्रेजेंट इन द निेटॉगजिक सेंटर प्रेजेंट इन द पानस रीजन है जो ये मॉडरेट करता है फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर अब जो न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन मॉडरेट न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इंस्पायरे देयर बाय द रेस्पिरेटरी रेट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पैराग्राफ जो ये न्यूरल सिग्नल्स आती हैं इस um, सेंटर से दैट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंसपायरेन मतलब ये रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कराएगा दैट विल इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट उसी का मतलब है दैट विल रिड्यूस दैट विल डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेन एंड देयर बाय आल्टर द रेस्पिरेटरी रेट ए कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर व्हिच इज हाईली सेंसिटिव टू द कॉबन डाईआक्साइड एंड एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट में एक कीमो सेंसिटिव एरिया होता है उसके अराउंड जो ब्लड होता है वो उसमें सेंस करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स क्या है और एच पॉजिटिव के लेवल्स क्या है Increase in these substances can activate the center, which in turn can signal the respiratory center to make the necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated. If carbon dioxide concentration increase Hoagie and h positive concentration increase, Hoagie, it will stimulate this chemosensitive area. The chemosensitive area will in turn uh, stimulate this respiratory rhythm center, and respiratory rhythm center will do the necessary changes by which these substances can be eliminated from the body. अब हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स, कुछ आर्टरीज पे कुछ स्पेशलाइज्ड कीमो प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक आर्टरी होती है उसका नाम है कराटेड आर्टरी। कराटेड आर्टरी जब बाइफरकेट होती है उस पर एक कीमो सेंसिटिव एक रिसेप्टर होता है कीमो सेंसिटिव और दूसरे दूसरा आयोटिक आर्ज होता है हमारी बॉडी में उसके उसके ऊपर भी उसमें उसमें भी एक उसमें भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं बोथ द की विद्री प्रेजेंट एसोसिएटेड विद द बोथ कैन सेंस द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन द ब्लड बिकॉज दीस आर आर्टरीज उनमें ब्लड फ्लो जाता है उसी ब्लड फ्लो से ये सेंस कर पाती हैं कि पार्सल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और पार्सल प्रेशर ऑफ और एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एओर्टिक ऑर्ज एंड कैरोटिड आर्टरी कैन ऑल्सो रिकॉगनाइज द चेंजेस इन एच कार्बन डाइक्साइड इन एच पॉजिटिव कंसट्रेशन एंड सेंड द नेसेसरी सिग्नल्ज ट रेस्पेरेटरी रिदम सेंटर फॉर मीडियल एक्शनज जो कार्बन डाई ऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो ये सेंस करेंगे और उसके बाद ये मैसेज सिग्नल भेजेंगे स्टूमलेट करेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को और रेस्पिटरी रिदम सेंटर विल मेक द नेसैसरी चेंजेस टू एलिनेटेटरी सब्सटेंस और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रगुलेन ऑफ रेस्पिटरी रिदम इज क्वाइट इन सिगिग्निफिकेंट जो ऑक्सीजन है उसका रोल इन सिगिग्निफिकेंट है इन मेटेनिंग इन रेगुलेटिंग द रेस्पेरेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इन सिग्नीफिकेंट कार्बन डाइऑक्साइड और एच पॉजिटिव टू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लेकिन ऑक्सीजन का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम अब जो भी डिसऑर्डर्स हैं जो भी डिजीजेस हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है सबसे पहले अस्थमा एजमा जिसे बोलते हैं इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है इसकी लाइन आई थी कॉपी पेस्ट लाइन आती है इन डिजीजेज की डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोक्यूल्स कभी कभार आता है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विच आच आर दोइिंग करेक्टली एजमा वहाँ पर लिखा होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया दैट इज इन करेक्ट दियर इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोक्यूल्स उसके बाद एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा जो है ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच एलवलर वालस आर डेजड इसमें एलवियोलर वाल्ज आर डेजड जो alveolar walls है एलवियोर वाल के जो आउटर मेमर्रीज है दैट इज डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड इन एम्फाइसी एज अ रिजल्ट जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है इसमें जो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीजड रेस्पिरेटरी सरफेस जब एल्वियोलर के वालसड यही है रेस्पिरेटरी सर्फेस जब एलवियोल वाल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो रेस्परेटरी सरफेस भी ओबियसली डिक्रीज हो जाएगी जो इसका मेन मेजर कॉज होता है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एम्फायसीमा इज सिगरेट स्मोकिंग अब लास्ट पे ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो ऑक्यूपेशनल रेस्पेरेटरी डिसऑर्डर्स है इन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली द ज्राइंडिंग एंड स्टो ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत सारा उनमें बहुत डस्ट निकलता है दट इतना निकलता है कि डिफेंस मेकानिजम जो है दैट कैन नॉट फुली कूप आउट दिचुएशन उसमें क्या होता है जब आ, जब डस्ट ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा जो लॉन्ग एक्सपोजर होगा कैन यू राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिसज प्रोलिफिशन ऑफ द फाइबरस टिशू जो लॉन्ग टिशू जो है वो इफे infl इन्फ्लेमट हो जाएगा लीडिंग टू उसकी फाइब्रोस हो जाएगी फाइ लीड टू फाइब्रोसिस ये इंपॉर्टेंटें पॉइंट है यहाँ पर प्रोलिफेन ऑफ द फाइब्रस टिशू इज द कर कर कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ ओके occupational respiratory disorders thus causing thus causing serious lung damage workers in such industries should wear protective masks so guys uh, thank you for watching this video uh, we will begin with the next chapter in the next video thank you have a great day